नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 को लेकर आई अभी तक की सबसे बड़ी खबर। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में बना दिया अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। साथ ही फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में फिल्म के ऑफिशियल बजट के बारे में भी दिए जानकारी, जिसने किया सभी को हैरान। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म गदर 2 के अभी तक 2.5 लाख से भी ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। और अगर बात करें फिल्म गदर 2 की अभी तक की अपने पहले दिन की एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो यह आंकड़ा 8 करोड़ के भी पार पहुंच चुका है। और शुरुआती 3 दिनों के लिए यह फिल्म 20 करोड़ से भी ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर चुकी है। अगर बात करें इस फिल्म के बजट के बारे में, तो डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि इस फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ के आसपास होने वाला है और फिल्म के रिलीज तक इस फिल्म का बजट लगभग 70 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। और जैसे इस फिल्म का क्रेज देखा जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म अपने शुरुआती 2 से 3 दिनों में ही अपना पूरा बजट निकाल लेगी। पर यह फिल्म लगभग 1 से 1.5 महीने तक सिनेमा घरों में चलने वाली है और इसकी जो भी कमाई होगी इस फिल्म के प्रॉफिट में जाने वाली है। साथ ही आप सभी को बता दें कि इस फिल्म के बजट के इतने कम होने का एक कारण यह भी कि इस फिल्म को ज्यादातर रियल लोकेशन पे शूट किया गया है और इस फिल्म पर कम से कम VFX का यूज किया गया, जिसकी वजह से इस फिल्म का बजट काफी कम है। तो आप सभी को क्या लगता है फिल्म गदर 2 अपने लाइफ टाइम में कितना कलेक्शन करने वाली है? आप सभी की राय में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मूवी न्यूज को।